संगवारी हो, मैं हूँ आप मन के दोस्त नीरज प्रजापति। तो संगवारी हो, आज मैं आप मन लेके जाने वाला हूँ माता रानी के दर्शन कराए बार अपन मुंगेली सिटी। तो संगवारी हो, अभी फिलहाल रात के 10 बजे थे, मोर साथ में शुभम भैया देख सकत हो आप मन मोर पीछे में। तो माता रानी के दर्शन कराने वाला हूँ संगवारी हो, और ए बार के माहौल दिखाने वाला हूँ कि कैसन कैसन टाइप के ए बार माता रानी रखा है अपन मुंगेली सिटी में। तो चलो दिखाता हूँ आप मन ला, और मोर वीडियो को लास्ट तक बने रही हो, चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दे। एक हर से संगवारी हो का हुई आप मन ला मोर रवैया सबको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिली। तो चलो चलथन, और वीडियो लाइक कर दे अगर पसंद आई तो। चलो चलथन, तो हर बार की तरह ए बार भी संगवारी हो हमन शुरुआत करें हन माँ शक्ति माई मुंगेली से। तो अभी हम आए हैं माँ शक्ति के दर्शन करे बार, देख सकत हो आसपास के डेकोरेशन ला और माता रानी के मंदिर ला भी बहुत अच्छा तरीके से सजाए गए हैं। तो हमन सीधा आगे बढ़थन, तो ए हरे संगवारी हो अपन माँ शक्ति जो कि यहीं से अपन शुरुआत करथन हर बार। तो आप मन भी संगवारी हो दर्शन कर लो, और तो चलो हमन आगे बढ़थन। तो मंदिर के साइड में चला थे गाना बजना के कार्यक्रम, और साइड वाले जो कि कक्ष में हवा पूरा ज्योति मनोकामना कलश, तो बहुत ज़्यादा संख्या में हर बार रही थे संगवारी हो यहाँ, और बहुत अच्छा जो कि यहाँ के माहौल वगैरह भी रही थे। तो यहाँ अपन दुर्गा माता के मूर्ति भी रखा है वह देख सकते हो आप मन, जो कि काफ़ी मनमोहक है, बहुत सारे प्रतिमा एक मूर्ति में स्थापित करे गए हैं। तो आप मन अगर वीडियो अच्छा लगा तो संगवारी हो तो लाइक कर दे, चैनल ला सब्सक्राइब कर दे। चलो हमन आगे बढ़थन, ओखर बाद संगवारी हो हमन आ चुके हैं जो कि पंडरिया रोड के महारानी दर्शन करे बर, जो कि अपन सोनकर स्कूल के सामने में रखा है, और काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करे गए हैं, देख सका था आप मन संगवारी हो। ओखर बाद संगवारी हो हमन निकल गए माँ काली के दर्शन करे बर खर्री पारा। तो यहाँ माँ काली के दर्शन करे के बाद संगवारी हो हमन हा जो कि माता दुर्गा के दर्शन करे बर थोड़ा आगे बढ़े, तो यहाँ पास एक खूब मूर्ति रखा है देख सकत हो आप मन, काफ़ी सुंदर यहाँ पास सजावट करेंगे, साथ ही साथ माता के मूर्ति विराजमान करेंगे जो कि अति सुंदर और बहुत ही मनमोहक नज़र आवा थे। ओखर बाद संगवारी हो हमन आ चुके हैं जो कि दाऊपारा चौक और अपन रेस्ट हाउस मैदान में, तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया पंडाल बनाए गए हैं, और बहुत बड़े जो कि माता रानी की मूर्ति की स्थापना करे गए है। तो अंदर चल के देखते हैं संगवारी हो अपन, तो देख सकते हो संगवारी हो माता रानी के काफ़ी भव्य और बड़े प्रतिमा स्थापित करे गए हैं, जो कि माता के नवदुर्गा रूपला ये मूर्ति के माध्यम से दिखाए गए हैं। तो काफ़ी बड़े मूर्ति है संगवारी हो, लगभग 15 से 20 फीट की मूर्ति यहाँ पास स्थापित करेंगे, और जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। ओखर बाद जैसे ही हमन संगवारी हो आगे बढ़थन, तो अपन चर्च के पास में एक गौ मूर्ति रखा है माता रानी के, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक है, आप मन खुद देख सकते हो यहाँ, जो कि पीछे में गैलेक्सी के बैकग्राउंड बनाए गए हैं, और माता रानी के बहुत छोटे से और सुंदर से प्रतिमा जो कि स्थापित करे गए हैं, जो कि मन भक्तों मन के मन ला आकर्षक के केंद्र बनावा थे, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है संगवारी और देख सकता था आप मन। तो यहाँ से दर्शन करे के बाद संगवारी हो हमन पहुँच गए हैं जो कि अपन पुल पास, जो कि दाऊपारा में माता रानी के दर्शन करे बस। तो यहाँ भी एक मूर्ति रखा है जो कि काफ़ी सुंदर है, और बहुत अच्छा सजावट यहाँ भी करे गए हैं। तो यहाँ से दर्शन करे के बाद संगवारी हो हमन निकल गए हैं जो कि बाल मंदिर के लिए, जो कि स्टेट बैंक रोड, और यहाँ भी जो कि माता रानी की मूर्ति स्थापित करे जाते हर बार। तो ए बार संगवारी हो यहाँ बाल मंदिर पास, जो कि गुफा वाले थीम में बनाए गए हैं, जो कि माता वैष्णो देवी समर्पित करे गए हैं ए गुफा के माध्यम से,
जो कि बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डेकोरेशन करे गए हैं, जो कि अपन वैष्णो देवी माता ला समर्पित है। तो यहाँ से अपन जो कि अंदर जाए के रास्ते है संगवारी हो, तो अभी माता रानी के दर्शन करे बार अंदर जावत हन। देख सका तो काफ़ी अंधेला है अंदर में। तो यहाँ संगवारी हो जो कि गुफा के बीच में अपन माता वैष्णो देवी के जो कि पिंडी दर्शन के जो कि थीम बनाए गए है और काफ़ी बढ़िया है, देख सकत हो आप मन। तो अंदर अभी अपन जावत हन, काबर की माता रानी के जो मूर्ति है अंदर में रखा है। तो यहाँ से जैसे ही अमन आगे बढ़ता संगवारी हो, तो जो कि भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के थीम यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करे गए हैं। तो अभी आगे जाए के रास्ता आगे से है, तो चलो आप मन मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ विराजमान है संगवारी हो अपन माता रानी के जो कि मूर्ति, और देख सकते हो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ करे गए हैं और काफ़ी सुंदर प्रतिमा स्थापित करे गई माता रानी के। तो अभी तक अपन मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो संगवारी हो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दे यार, आप मन के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो संगवारी हो हमन पहुँच चुके हैं मनुराज टाकिज के पास, जो कि माता रानी विराजमान करे गए हैं। देख सकत हो काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ भी स्थापित करे गए हैं। ओखर बाद संगवारी हो हमन जावत हन सुनार पारा, तो सुनार पारा में भी काफ़ी सुंदर डेकोरेशन के साथ माता रानी विराजमान हुए। आप मन देख सकत हो यहाँ भी बढ़िया से डेकोरेशन करे गए हैं और माता रानी अपन विराजित करे गए हैं। तो काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ भी स्थापित हुआ माता रानी के। ओखर बाद संगवारी हो हमन पहुंच गए हैं अपन नया बस स्टैंड मुंगेली, और देख सकत हो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन करे गए हैं यहाँ पास। पंडाल ला भी बहुत बढ़िया यहाँ पास बनाए गए हैं और काफ़ी बड़े हैं यहाँ पंडाल है। तो चलो अंदर चल के देखन। तो ये हरे संगवारी हो अपन नया बस स्टैंड के महारानी जो कि दुर्गा माता, और काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ भी बनाए गए है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही संगवारी हो तो लाइक कर दे, तो चलो आगे चलथन। तो यह रे संगवारी हो अपन रावण भाटा के जो कि माता रानी, जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मनमोहक प्रतिमा यहाँ भी रखा गए है। तो ओखर बाद संगवारी हो हमन पहुँच चुके हैं शंकर मंदिर मुंगेली, तो यहाँ भी माता रानी के जो कि प्रतिमा स्थापित करे गए हुए। तो यहाँ के डेकोरेशन आप मन देख सकते हो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन करे गए है, साथ ही साथ माता रानी के प्रतिमा भी काफ़ी सुंदर रखे गए हैं, देख सकते हो आप मन। ओखर बाद संगवारी हो हमन आ चुके हैं शंकर मंदिर के बाजू में ही एक ठम और पंडाल बने हैं, यह माता रानी के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मूर्ति जो कि रखाए गए हैं। देख सकता था बालिका रूप में माता रानी की मूर्ति यहाँ पास स्थापित करे गए हैं। तो ओखर बाद संगवारी हो अमन पहुँच गए फोकट पारा, यहाँ भी माता रानी के बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित करे गए हुए। तो संगवारी हो आप मन वीडियो कैसे लगी इस कमेंट में बताया। तो हमन अभी मिलबो अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ में माता रानी के। तो अभी ये वीडियो यहीं तक समाप्त रही थे, तो मिलबो दूसरा पार्ट में।